सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब बेग और MSB TV की एक और वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मछलियाँ दिखने में काफ़ी मासूम और प्यारी लगती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी मछलियाँ भी हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। MSB TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 10, पफर फिश। दोस्तों, इस मछली को आप सबने इंटरनेट पर कभी ना कभी जरूर देखा होगा। ये मछली काफी जहरीली होती है। इसके अंदर पाए जाने वाले टेट्राडोटॉक्सिन जहर इतना जहरीला होता है कि अगर ये मछली किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान की आधे घंटे के अंदर अंदर मौत हो सकती है। इस मछली में पाए जाने वाला जहर साइनाइड जहर से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है और इसका कोई एंटीडोट भी नहीं होता। इस मछली को जब प्रेडेटर्स का डर होता है तो ये अपने अंदर हवा भरकर अपने आप को फुला लेती है, और क्योंकि इसकी स्किन पर कांटे होते हैं जिसकी वजह से कोई दूसरी मछली इसका शिकार नहीं कर पाती। पफर फिश जापान में फुगू के नाम से एक डेलिकेसी के तौर पर खाई जाती है। इसको पकाने का तरीका काफी मुश्किल और पेचीदा होता है, और अगर सही तरीके से ना पकाई जाए तो इसको खाने वाले इंसान की मौत हो सकती है, जिसकी वजह से सिर्फ लाइसेंस्ड शेफ्स ही इसको पका पाते हैं। नंबर 9, रेड लायन फिश। दोस्तों, ये एक काफी खूबसूरत मछली है जिसको बार बार देखने का दिल करता है। इस मछली का जहर इसके फिन्स पर लगे कांटों में पाया जाता है जो इसके शिकार होने से बचाती है। इस मछली का जहर इंसान के लिए जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन इसके काटने से इंसान को सांस लेने में दुश्वारी और शदीद तकलीफ होती है। कुछ केसेस में पैरालिसिस भी हो सकता है। अगर ये मछली आपको कभी काट ले तो आप काटे जाने वाली जगह की सिकाई कीजिएगा, क्योंकि गर्माहट से इसके जहर को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इस मछली की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसको शिकार करने के लिए बहुत कम मछलियां हैं और ये हर साल 30,000 तक अंडे देने की सलाहियत रखती हैं। नंबर 8, द ग्रेट व्हाइट शार्क। दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेडेटर्स में से एक द ग्रेट व्हाइट शार्क अपने एक हमले से किसी भी इंसान या जानवर की जान ले सकती है। हालांकि ये जहरीली नहीं होती, लेकिन इसका बाइट इतना खतरनाक होता है कि इंसान अगर उसकी गिरफ्त में आ जाए तो वहीं दम तोड़ दे। ये मछली 35 माइल्स पर आवर की स्पीड से तैरती है, जिसकी वजह से इन्हें वन ऑफ द फास्टेस्ट फिश इन द ओशन भी कहा जाता है। नंबर 7, द टाइगर फिश। अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मछली शार्क जितनी बड़ी तो नहीं, लेकिन उतनी खतरनाक जरूर है। ये मछली अपने नोकीले दांतों की वजह से जानी जाती है, जो किसी को भी शदीद जख्मी कर सकती हैं। इस मछली अफ्रीका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश कहा जाता है। इस साइज में 5 फीट लंबी और वजन में 100 पाउंड्स तक जा सकती है। इस मछली को कई अफ्रीकन कल्चर्स में सिंबल ऑफ पावर के तौर पर भी देखा जाता है। नंबर 6, द मोरे ईल। मोरे ईल एक सांप जैसे जिस्म की शक्ल रखता है। इसके पूलों नोकदार होते हैं, ताकतवर दांत और ताकतवर जबड़ा होता है। ये पूरी मछली को कब्जा करके निगल सकता है। ये 10 फुट तक लंबा और 60 पाउंड तक वजनदार हो सकता है, और ये कॉरल रीफ्स और रॉकी शोर्स में पाया जाता है। दिन के वक्त ये होल्स में छुप जाते हैं और रात को शिकार करने के लिए समंदर में निकलते हैं। इसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि वो मछलियों के छिलके को भी कुचल सकता है। खतरे में होने पर ही अपने आप को बचाने के लिए अपना जबड़ा इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा अपने दुश्मनों को डराने के लिए हिसिंग आवाज भी निकालते हैं। नंबर 5, इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल अमेजोन और साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश में से एक है। उनके खास आजा होते हैं जो उनके जिस्म के 80% हिस्से को बनाते हैं, और उन्हें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स कहते हैं। ये 600 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिक करंट बना सकते हैं, जिससे वो शिकार करते वक्त और दूसरी मछलियों से बातचीत भी कर सकते हैं। ये 8 फुट तक लंबी और 20 किलोग्राम तक वजन का हो सकता है। ये दूसरी मछलियों के नाकाबले रहने वाले गंदे एनवायरमेंट्स में भी जिंदा रह सकते हैं, और शिकार करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स से शिकार करते हैं, जिसमें वो अपने शिकार को सबसे पहले बेहोश कर देते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। अगर ये इंसान पर हमला करें तो उस इंसान को बेहोश करके छोड़ सकते हैं, और अगर बार बार ये हरकत करें तो इंसान की जान भी जा सकती है। नंबर 4, द बॉक्स जेलीफिश। इसे सी वॉस्प भी कहते हैं। ये समंदरी जानवरों में से सबसे ज्यादा जहरीला जानवर है। इसकी लंबाई 30 फुट तक हो सकती है, और इसके बाल 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इसका डसना शदीद दर्द,
पट्ठों के खिंचाव और कुछ केसेस में दिल का अटैक करना भी हो सकता है। ये इंडियन और पैसिफिक ओशंस में पाया जाता है। इसका खुद को बचाने के लिए ये तैरते वक्त रोशनी से बचते हैं। अगर इसने डसना हो तो इस जगह पर सिकाई कीरें ताकि दर्द कम हो सके और फिर फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाएं। नंबर 3, द कैंडिरू। इसे अमेजन रिवर में पाया जाता है। इसका जिस्म शफाफ होता है जिसमें से छोटे खुराच और जिल होते हैं। ये एक ऐसी मछली है जिसकी खुराक दूसरी मछलियों का खून होता है। इसे किसी और मछली के गिल कैविटीज में देखा जाता है जहाँ से ये मछली खाने की शुरुआत करती है। कुछ नायाब केसेस में इसे इंसान के जिस्म में जाते हुए भी देखा गया है। इसके छोटे से खुराश और जिल शदीद दर्द, सूजन, खून की बहती और कुछ केसेस में मौत का सबब बन सकते हैं। अगर इंसान के जिस्म में ये मछली चली जाए तो उसे ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ता है। इसकी मासूम सूरत को देखकर खुद को धोखा नहीं दीजिएगा, आप हमेशा इससे बच कर रहिएगा। नंबर 2, द स्टोन फिश। ये इंडो पैसिफिक समंदर में पाया जाता है। इसका जिस्म अपने आसपास के माहौल के मुताबिक ऐसे एडजस्ट होता है जिसकी वजह से इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। ये एक पत्थर या समंदरी सांप की शक्ल में होता है। इसका शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन मछलियों में से होता है। इसके जिस्म पर जहरीले स्पाइन्स होते हैं और अगर कोई इन पर पैर रख दे तो जानलेवा भी हो सकता है। ये अपना जहर अपने स्पाइन्स के थ्रू शिकार में इंजेक्ट करती हैं और इसका जहर इतना सरदार होता है कि इसकी वजह से शरीर दर्द, सूजन और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसान होता है। कुछ मामलात में इससे पैरालिसिस या मौत भी हो सकती है। शिकार के लिए ये अपने आप को रेत या कीचड़ में छुपाते हैं और फिर शिकार पर हमला करते हैं। अगर इसने किसी को काटना है तो सबसे पहले उस जगह पर गर्म पानी की सेकाई करें और फिर फौरन हॉस्पिटल जाएं। नंबर 1, पिराना। ये मछली बहुत छोटी साइज की होती है। साउथ अमेरिका और अमेजन नदी में पाई जाती हैं। ये बहुत खतरनाक शिकारी होती हैं और अपने तेज दांतों से अपने शिकार करती हैं। अक्सर फिल्म्स में देखा जाता है कि पिराना सिर्फ इंसानों पर हमला करती हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। पिरानास मछलियों और कीड़ों को खाना पसंद करती हैं और सिर्फ तभी इंसानों पर हमला करती हैं जब वो इनसे डर रहे हों या उनको खाना नहीं मिला। इन्हें खून या पानी के स्प्लैशेस देकर भी होशियार किया जा सकता है। साउथ अमेरिका में इनका इस्तेमाल खाने के तौर पर भी होता है और रिवायती तरीकों से दवाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मछली ग्रुप्स में ट्रैवल करती है और एक साथ मिलकर चंद मिनट्स के अंदर एक शिकार को पूरी तरह खा जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो MSB TV को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक